पर पहले तो आप बोलिए ना, तो उनसे आप पूछिए, पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं, कौन परसेंटेज दस्त होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा, पुराना पेंशन कुछ और है, पुराने पेंशन पर ना सवाल है भाई, कर्मचारी अच्छा ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज खूब बोले, नीतीश सरकार हो या भाजपा नेता मनोज तिवारी, सबको जमकर सुनाया, सब पर बड़े सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के जातीय गणना को लेकर दिए गए बयान पर आज मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया था और राहुल गांधी को मेंटल तक कह डाला था। इस पर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मनोज तिवारी पर भड़कते हुए कह दिया कि दरअसल ये बात है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, ये मुहावरा मनोज तिवारी के लिए इस्तेमाल करते नजर आए पप्पू यादव। साथ ही साथ जातीय गणना को लेकर तो बड़ा बयान दिया ही, उसके साथ ही नीतीश सरकार पर बड़े आरोप लगाते नजर आए। साफ कह दिया कि आखिर बिहार में अपराध कर कौन रहा है, बिहार में अपराध करने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता ही हैं जिनके वजह से बिहार में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है अपराधों में। अपराध को लेकर पप्पू यादव पहले भी ये कहते नजर आए हैं कि बिहार में नेताओं के वजह से ही अपराध को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि अपराधियों को नेताओं का संरक्षण दिया जाता है बिहार में। तमाम मुद्दों को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। फाइट पेंशन स्कीम को लेकर के सर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सर, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है सर, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि पुरानी बोतल में नई शराब है सर। सर पहले तो आप बोलिए ना, तो उनसे आप पूछिए, पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं, कौन परसेंटेज दस्त होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा, पुराना पेंशन कुछ और है, पुराने पेंशन पर ना सवाल है भाई, कर्मचारी अच्छा ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है, यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना, ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है, इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे, ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं, नौकरी पेशा ही अब ये ख़त्म कर दिए हैं, तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए, तो नौकरी पेशा वाले अच्छा, बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोज़गार मिलना नहीं है, अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं, पुराना पेंशन कुछ और था और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है उसमें, प्राइवेट रोजगार में किसके यहाँ मिलेगा, आप उठा के देखिए ना, कॉरपोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ इलाज की जरूरत है, किसको, राहुल गांधी मनोज तिवारी ने कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पर ही ना पड़ेगा। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास, हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीते हैं, ये लोग हर बातों में
नेहरू राहुल गांधी, तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या, उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या। राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है, राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज विशेष राज देने के लिए। STSC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है लेटरल एग्जामिनेशन को लेके, सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रिमिनल ईयर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब STSC में क्रिमिनल ईयर ला करके आप STSC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी दलित EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके ख़त्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे, 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया दिया। ये मोहब्बत है, मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी, हर बातों में मर्डर। भैया मैं तो आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आती है, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। ये जमीन का जो लिटिगेशन है और ये जो शहर का शहर जमीन माफिया लोग, आम आदमी के जमीन पर गिद्ध दृष्टि है और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है, बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा है। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा और कहना बहन तो अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों के बाद। राजद के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अब सबका ठिकाना है, चुनाव में कोई इधर गिरा उधर गिरा झुमका कि अरे आप हम ही सबका ठीका प्रवक्ता हम ही हैं, अरे हमको अपराध पर पूछे तो बोल दिए, हमको विकास पे पूछिएगा तो बोलेंगे, कहिएगा कहाँ मर गया तो वहाँ जाके 1,00,000 दे आएंगे, हमको इतने ठो रखिए ना, हमको काहे फालतू में पढ़ाते, हम कुछ में रहते हैं पर इतने रहने दीजिए। और कुछ जमीन सर्वे हो रहा उसको लेकर भी करें भैया, जमीन सर्वे तो ये झगड़ा का भैया, हरा कार्ड बट गया लाल कार्ड बट गया, भूआतबंदी कानून लागू हो गया, गरीब को मिल गया 3 दशमलव जमीन मिल गई, पलायन रुक गया है, 6,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं है, और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कर रहे हैं बहन का भी अधिकार, तो बहन को तो अधिकार ही है, यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ये, इससे अच्छा बटाईदारी कानून लागू कर दीजिए ताकि गरीब लोग का अधिकार हो जाए। भैया नेता जब आप चुनाव लेते हैं और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं, आप हमको बता दीजिए ना, इधर आप हमको बता दीजिए कि कोई आदमी कह रहा है यादव के ठेकेदार और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र है हो, और 100 विधायक हैं, पप्पू यादव को 20 विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और हिम्मत होता गरीब पर जुल्म कर लेना बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है, नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है वोट लेते हैं, कहाँ गए, चिराग बाबू के हैं। तो हमने कहा कि जब आप सुरक्षित और आवाज़ उठा ही नहीं सकते, डेली मौत पर मौत हो रही है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो आप हमको बताइए ना, मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे अच्छा है ये नेता लोग जो घर में बैठ के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर है कि
आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करेंगे।